नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। आइए आज हम सभी गूगल के फायदों को जानते हैं। जी हाँ, गूगल मतलब आपने सोच लिया होगा सर्च इंजन गूगल नेट का, लेकिन नहीं, गूगल जो कि हम खाते हैं इसके फायदों के बारे में आज हम सभी जानते हैं, क्योंकि एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में कार्य करता है। आयुर्वेद में गूगल को कफ, वात, कृमि और अर्श नाशक माना गया है। गूगल दरअसल एक पेड़ से निकलने वाले गूंद को कहते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसके फायदों से अवगत कराएंगे। गूगल को कई रोगों का नाश करने वाला माना गया है। गूगल काले और लाल रंग का दिखाई देता है। इसकी खुशबू मीठी होती है और आग में डालने पर उस जगह को यह खुशबू से भर देता है। इसकी तासीर गर्म होती है। इसका स्वाद कड़वा और कसैला होता है। गूगल वहीं अच्छा माना जाएगा जो चिकना हो, सोने के रंग वाला हो, पकी जामुन के जैसा और पीला हो। इस प्रकार का गूगल स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए आज हम जानते हैं इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में और उपयोग के बारे में। सबसे पहले तो जानते हैं ये किन किन बीमारियों को दूर भगाता है। सबसे पहले कब्ज से आपको राहत दिलाएगा, जोड़ों का अगर दर्द है तो उसे दूर करेगा, गंजापन को दूर भगाएगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करेगा, स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा दिल के लिए भी ये अच्छा होता है। खट्टी डकार अगर आपको आती है, यानी कि डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसे ठीक करेगा। हड्डियों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। थायराइड से राहत दिलाता है। मुँह के लिए फ़ायदेमंद होता है। मोटापा अगर आपको दूर भगाना हो तो उसमें भी ये कारगर साबित होता है। सूजन और दर्द को भी दूर भगाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इन बीमारियों को अब कैसे दूर करता है गूगल, आइए विस्तार से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या क्या करेंगे उपाय तो इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले कब्ज से कैसे राहत दिलाता है, इस बारे में जानते हैं। कब्ज को दूर करने में गूगल चूर्ण लेने से काफ़ी लाभ मिलता है। 5 ग्राम गूगल चूर्ण को 5 ग्राम त्रिफला पाउडर के साथ मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लेने से पुरानी कब्ज दूर हो जाती है और इससे शरीर में होने वाली सूजन से भी राहत मिल जाता है। इसके बाद आता है नंबर जोड़ों के दर्द का। जब जोड़ों में जहरीले अवशेष जमा हो जाते हैं तो इस कारण जोड़ों में दर्द होने लगता है। जोड़ों के दर्द से राहत पाने में गूगल का सेवन फ़ायदा पहुँचाता है। यह जोड़ों से अवशेषों को निकाल देता है और जोड़ों के मूवमेंट को भी ठीक करता है। गंजापन को दूर भगाने में भी सहायता करता है गूगल। भाग दौड़ भरी जिंदगी के चलते, खराब खान पान, गलत लाइफस्टाइल के चलते न सिर्फ बढ़ती उम्र के लोग बल्कि युवा भी गंजेपन की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी गंजेपन से परेशान हैं तो गूगल को सिरके में मिलाकर सुबह शाम गंजेपन वाली जगह पर नियमित रूप से लगाने से फ़ायदा मिलता है। इससे आप गंजेपन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस उपाय को अपनाने से सिर में नए बाल उगने लगते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में उपयोगी है। गूगल के सेवन से 3 महीनों में 30% तक कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। स्किन के लिए ये हेल्दी होता है, फ़ायदेमंद होता है। खून की खराबी की वजह से शरीर पर फोड़े फुंसी और चकते निकल आते हैं। इन्हें दूर करने में गूगल बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि गूगल के सेवन से यह रक्त शोधक का काम करता है और इससे खून साफ होता है। स्किन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए गूगल के पाउडर को सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेने से फ़ायदा होता है। ये दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। रक्त में प्लेट्स को चिपकने से रोकता है और दिल की बीमारी और स्ट्रोक होने से आपको बचाता है। इसके अलावा आपको बदहजमी की शिकायत है, खट्टी डकार आ रही हो तो कभी कभी उल्टा सीधा खा लेने या ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से अम्ल पीत यानी कि खट्टी डकार आने लगती है। इस समस्या को दूर करने में गूगल ज़्यादा लाभकारी होता है। 1 चम्मच गूगल को पानी में मिलाइए और इसे 1 घंटे तक रख दीजिए। 1 घंटे बाद इस पानी को छानकर खाना खाने के बाद पीजिए। इससे खट्टी डकारों से छुटकारा मिल जाता है। हड्डियों के लिए भी ये फायदेमंद होता है। हड्डियों की समस्या को दूर करने में गूगल लाभकारी होता है। हड्डियों में सूजन, चोट लगने से होने वाला दर्द और टूटी हड्डियों को जोड़ने और खून के जमाव को दूर करने में
गूगल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। थायराइड से भी ये राहत दिलाता है। यह थायराइड ग्रंथि के कार्य करने में सुधार करता है, बॉडी की फैट जलाने में मदद करता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है। मुंह के लिए फ़ायदेमंद। मुंह से संबंधित समस्याओं को दूर करने में गूगल बहुत ही लाभकारी माना जाता है। गूगल को मुंह में रखने या गर्म पानी से घोलकर दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करने से मुंह के छाले एवं घाव जलन को ठीक किया जा सकता है। यह मुंह के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मोटापा को दूर करता है। गूगल का इस्तेमाल मोटापा दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म तेज बनता है और मोटापे से छुटकारा मिलता है। पुराने ज़माने में ही गूगल को मोटापा कम करने की औषधि माना जाता था। शुद्ध गूगल की 1 से 2 ग्राम मात्रा गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से मोटापे से निजात मिल जाती है। गूगल शुद्ध करने के लिए इसे त्रिफला के काढ़े और दूध में पका लें। इसके उपयोग से पेट में बनने वाली गैस भी ठीक हो जाती है। सूजन और दर्द भी गायब होता है गूगल से। आइए जानते हैं कैसे। गूगल में इन्फ्लामेशन गुण पाए जाते हैं जो सूजन से राहत दिलाते हैं। इसके अलावा यह शरीर के नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। गर्भाशय के रोगों को भी दूर करता है। गर्भाशय के रोग दूर करने के लिए गूगल फायदेमंद होता है। गूगल को गुड़ के साथ सुबह शाम लेने से कई तरह के गर्भाशय रोग दूर हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जटिल रोग है तो 4 से 6 घंटे के बीच में इसका सेवन करते रहें। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायक होता है गूगल। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल बनाए रखने में गूगल बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो इसका सेवन ज़रूर करें। यह दिल के लिए टॉनिक की तरह काम करता है और उसे मजबूत बनाता है। पर ध्यान रखने वाली कुछ एक बात होती है कि इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करना लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गूगल की तासीर गर्म होती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने पर गाय के दूध या घी के साथ सेवन करना चाहिए। इसका उपयोग करते वक्त ज़्यादा मसालेदार भोजन, ज़्यादा खाना या खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। गूगल के साइड इफ़ेक्ट यह हैं कि इससे शरीर में कमजोरी, नपुंसकता, बेहोशी, मुंह में सूजन और दस्त होने लगते हैं। इसीलिए इसका ज़्यादा मात्रा में कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए गूगल के फायदों से रिलेटेड। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।